प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहां से आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं अंग्रेजी विषय का पूरा पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एकदम पूरा का पूरा असली वाला पेपर आज मैं यहाँ से आपको बताऊँगा, इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देख कर जाए, जिससे कि आप सभी को पूरा का पूरा आपका अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर पूरा अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार का आपका पेपर आया है और आप सभी को इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग जानते हो कि त्रैमासिक परीक्षा के भी पूरे के पूरे रियल पेपर मैंने आपको दिए थे और अब मैं आप सभी के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के भी पूरे रियल पेपर लेकर आ चुका हूँ। मगर देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग अगर इस पूरे वीडियो को देख कर जाओगे तो ही आपको पूरा पेपर समझ में आ पाएगा, अन्यथा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आप सभी के अर्धवार्षिक परीक्षा के पूरे पेपर को। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हो आपके पेपर के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 75 नंबर का। अब इसके बाद में देखिएगा, यहाँ से आपके पेपर की शुरुआत होती है। आप सभी लोग इसको देख लें, पढ़ लें और अच्छे से समझ भी लें। तो देखिएगा ये रहा आपका पूरा पेपर, जिसमें कि प्रश्न नंबर 1 लिखा है, रीड द पेसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिएगा 5 नंबर का पेसेज होगा पूरा। अब चलेगा अब इसको समझते हैं और इसके सॉल्यूशन को भी समझते हैं। तो देखिएगा प्रश्न, ये पूरा पेसेज लिखा है, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, यानी कि पूरा का पूरा आप लोग इससे मिलान कर लीजिएगा। अगर आपको इस प्रकार का शुरू में देखने को मिले तो आप समझ जाइएगा कि सर ने जो पेसेज बताया था वही पेसेज हमारा परीक्षाओं में आ गया है। तो पूरा का पूरा पेसेज आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलेगा इस पेसेज को तो मैं पढ़कर आपको क्या ही समझाऊं, क्योंकि आप सभी को समझ में वैसे भी आ जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट इनके आंसर्स बता देता हूं। तो देखिएगा इसका पहला प्रश्न लिखा है, द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगेन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा 1789, यानी कि सी नंबर का इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, द केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड। तो देखिएगा जो पायलट का केबिन होता है उसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कॉकपिट। उसके बाद तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं, एन एरोप्लेन हैज एन इंजन दैट इज वर्कड बाय। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा पेट्रोल। और उसके बाद में अगले प्रश्न को पढ़ते हैं क्या लिखा है। चौथा प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा आपका एरोप्लेन। उसके बाद में पांचवा प्रश्न लिखा है, वी आर लिविंग इन द, तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा एज ऑफ साइंस। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से आप सभी को पहले नंबर का जो पेसेज दिया गया ना, इसका सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेना है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 में भी आपको एक पेसेज दिया जाएगा और इस पेसेज का सॉल्यूशन आपको कंप्लीट करना है। तो देखिएगा पेसेज कुछ इस प्रकार का होगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा ध्यानपूर्वक समझ लें। तो देखिएगा, मेरी क्यूरी वाज वन ऑफ द मोस्ट एकम्प्लिश्ड। तो देखिएगा मेरी क्यूरी का पूरा पेसेज आया है क्वेश्चन नंबर 2 में, तो आप सब लोग इसको पढ़ लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। तो देखिएगा आप सभी लोग इसको पढ़ लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ लीजिएगा। अब इसके प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा पहला प्रश्न लिखा है, वेयर डिड मेरी अर्न हर मास्टर डिग्रीज फ्रॉम। तो देखिएगा मेरी ने अपनी मास्टर डिग्री कहाँ से प्राप्त करी थी। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा, ए यूनिवर्सिटी इन सर्बन, सर्बन यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर की डिग्री हासिल करी थी। तो ये तो पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। अब चलिएगा हम देखते हैं इसी के दूसरे प्रश्न को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को कोई भी असुविधा ना हो पेपर को समझने में। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पेपर का अगला भाग, तो आप सब लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 ये लिखा है, आप सभी लोग इसको देख ले और पूरा का पूरा समझ भी लेंगे। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 2 का क्या उत्तर होगा, व्हाट वाज मेरीज फादर, मेरी के फादर कौन थे। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा, ए प्रोफेसर। उसके बाद अगला प्रश्न, मेरी लेफ्ट पोलैंड एंड ट्रेवल टू फ्रांस टू इंग्लैंड एंटर द सर्बन। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा, सॉफ्ट इंटेलिजेंस, यानी कि अपनी बुद्धिमत्ता को दर्शाने के लिए वो गई थी। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, मेरी क्यूरीज डॉक्टरेट वाज इन विच एकेडमिक डिसिप्लिन। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा, कैंसर स्टडीज। क्या उत्तर होगा इसका, कैंसर स्टडीज। उसके बाद अब अगले प्रश्न को देखते हैं क्या लिखा है, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिस्कवर। तो देखिएगा डिस्कवर का नाउन फॉर्म क्या होगा, तो देखिएगा इसका नाउन फॉर्म आ जाएगा डिस्कवरी। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को इसका पूरा सॉल्यूशन देख लेना है। अब उसके बाद में हम अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि ये लिखा गया है सेक्शन बी में, ये प्रश्न है जो कि क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा, बायोगैस इज ए
मिक्सचर ऑफ द मीथेन। तो देखिएगा पूरा का पूरा पेसेज है आपका और इसमें से फिर आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, नोट्स आपको कैसे बनाने हैं वो आपको मैं यहीं पर बता देता हूँ। तो देखिएगा वैसे तो आपको नोट मेकिंग समरी बनाना आती होगी, और अगर नहीं आती है तो आपको इस वीडियो के अंत में एक वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंग्लिश ग्रामर के लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप सभी लोग इन चीज़ों को बनाना सीख सकते हो। वहाँ पर मैंने आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बनाना सिखाई है। तो आप लोग मेरा उस नोट मेकिंग समरी वाले वीडियो को देखकर इनको बनाना जरूर सीख ले कि कैसे इनको हल किया जाता है। अब इसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे प्रश्न पूछा गया है, यू आर निशी कौरव स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। यानी कि SLC की इसपे वो एप्लीकेशन आपसे पूछी गई है, तो ये भी आपको मैं बहुत ही जल्दी उपलब्ध करवाने वाला हूँ, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट मिलेगी उसके ऊपर क्लिक करके भी आप लोग वहाँ से इस एप्लीकेशन को बनाना सीख सकते हो। अब इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 में एक निबंध पूछा गया है, वंडर ऑफ साइंस का निबंध आपको याद हो गई सही। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये पैराग्राफ दिया गया है, ये पिक्चर दिए गए हैं और इन पिक्चर को देखकर आपको एक पैराग्राफ बनाकर लिखना है। तो यहाँ तक की बात मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद में देखिएगा आगे कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपसे पेपर में, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को भी आप लोग अच्छे से देख लेंगे और पूरा समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव गिव इन द ब्रैकेट्स। तो देखिएगा यहाँ से आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूरे करने हैं जो कि ब्रैकेट्स में दिए गए हैं, उनमें से एक छाट कर। तो देखिएगा पहला लिखा है द सन राइज इन द ईस्ट, तो देखिएगा इस जगह पर द आ जाएगा क्योंकि शुरू में से ही सन जो है अद्वितीय है अपने आप में और पूरे संसार में एक है, इस वजह से इस जगह पर आपका द आ जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, आई डिडंट बाई मैंगोज, तो देखिएगा इस जगह पर आपको आ जाएगा एनी। उसके बाद ही इज इंजीनियर, तो इस जगह पर आपको एन लिख लेना है। उसके बाद चौथा प्रश्न, वी टू वॉच द मूवी येस्टरडे, तो देखिएगा इस जगह पर आपको गो लिखना है। उसके बाद पांचवा प्रश्न, देयर इज नॉट वाटर इन द पूल, तो देखिएगा इस जगह पर आपका आ जाएगा मैनी। उसके बाद छठा प्रश्न, दे कंप्लीट देयर वर्क, तो देखिएगा इस जगह पर आपको लिख लेना है। तो देखिएगा इस प्रकार से आप सभी को क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेना है। अब उसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, जिसमें कि आपसे डू एज डायरेक्टेड पूछे जाएंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, डू एज डायरेक्टेड अगर आपको नहीं आते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप सभी लोग इन डू एज डायरेक्टेड को बनाना सीख लो। क्योंकि चक्कर ये होता है कि मैं यहाँ पर तो आपको बनाना सिखा दूंगा मगर फिर आप इनको भूल जाओगे, तो इसलिए आप लोग क्या करो कि डू एज डायरेक्टेड के लिए जो इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट दी है उसमें से प्रत्येक वीडियो को देख लो, वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई है। अब इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो देखिएगा यहाँ से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न लिखा है, वेयर डिड कोटोमी फाइंड द बुक, तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा इन हिज हाउस। उसके बाद वी कैन मेक फ्रेंड्स विद वाइंड इफ वी आर, तो देखिएगा इस जगह पर आपको लिख लेना होनेस्ट। उसके बाद चौथा प्रश्न, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर गिव टू केजिया व्हेन सी वाज सबलिंग, तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा ए क्लीन हैंकी। उसके बाद अगला प्रश्न पढ़ते हैं, हु इज द अथर ऑफ द लेसन माय चाइल्डहुड, यानी कि माय चाइल्डहुड जो पार्टी इसके लेखक कौन है, तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा APJ अब्दुल कलाम। उसके बाद पांचवा प्रश्न देखते हैं, व्हाट डिड एल्विन वांट टू स्प्रेड थ्रोट हर म्यूजिक, तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा हर मैसेज ऑफ लव पीस एंड हैप्पीनेस, ये इसका उत्तर होगा। उसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, व्हाट इज द ब्लिस ऑफ द पोएट इन द पोएम रेन ऑन द रूफ, तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा लाइंग ऑन द बेड इन द जॉयफुल मूड। तो देखिएगा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, ताकि आप सभी के दोस्त भी इनको देख सकें। और क्वेश्चन नंबर 10 में प्यारे विद्यार्थियों आपको इस प्रकार का पैसेज दिया जाएगा जो कि आपके पुस्तक में से ही लिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 10 को पूरा का पूरा पढ़ लें आप लोग यहाँ तक का पूरा इसको। अब इसके बाद में फिर मैं आपको इनके आंसर से बताता हूँ ताकि आप सभी को पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा 10 नंबर का जो पैसेज है उसको आप सभी लोगों को पढ़ लेना है, फिर हम इन प्रश्नों के उत्तरों को देखेंगे। तो देखिएगा इसमें पहला प्रश्न लिखा है, बाई व्हाट एज डिड आइंस्टाइन नॉट लर्न टू स्पीक, तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा 2.5 ईयर्स। उसके बाद दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, व्हाट डिड अल्बर्ट क्लासमेट कॉल हिम, तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा ब्रदर बोरिंग, उसके क्लासमेट उसे क्या कहते थे, ब्रदर बोरिंग कहते थे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट डिड आइंस्टाइन लव टू प्ले विद, तो देखिएगा इसका उत्तर क्या आ जाएगा मैकेनिकल टॉयस। तो यहाँ से आप सभी को ये नोट कर लेना है, मैकेनिकल टॉयस का उत्तर होगा।
अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का बी वाला भाग ये दिया गया है, आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लेंगे। तो 10 के बी वाले भाग को देखते हैं, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी को स्पेसेस को पूरा पढ़ लेना है और फिर इसके उत्तरों को देखते हैं। तो देखिएगा पहला प्रश्न लिखा है, फ्रॉम विच पोएम द एबव एक्सट्रैक्ट हैज बिन टेकन। तो देखिएगा किस पार्ट से लिया गया है, तो देखिएगा इसके पार्ट का नाम है रेन ऑन द रूफ। उसके बाद दूसरा प्रश्न, द अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्लिस इज। तो देखिएगा ब्लिस का अपोजिट क्या होगा, तो कोर्स होगा। उसके बाद में वेयर डू द शेडो होवर, तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा ऑन पिलो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, व्हाट इज ए टेलीबुक और वेयर डिड बिस्मिल्ला खान गेट हिज बिग ब्रेक। तो देखिएगा सभी के सभी जो क्वेश्चन है ना, इनका सॉल्यूशन मैं आपको बहुत ही जल्दी देने वाला हूँ, मगर आप लोग इतना पूरा पेपर देख लें कि कौन कौन सी चीज़ें आपसे किस प्रकार से पूछी जा रही है। बाकी आपका क्वेश्चन नंबर 12 रहा और ये क्वेश्चन नंबर 13 रहा, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा और 15 ये रहा और 16 ये रहा। तो आप सभी लोग यहाँ से पूरा का पूरा पेपर नोट कर लें और बहुत ही जल्दी प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको इन क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों अभी केवल मैंने आपको इन्हीं प्रश्नों का सॉल्यूशन बताया इतना कि आपको मैं पेपर में बता सकता था, मगर बाकी ये जो आपके बड़े वाले प्रश्न हैं ना, इनका सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी मैं आपको आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। आप सभी लोगों ने अगर आपके बाकी के पेपर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सभी पेपरों की लिंक दे रखी है, वहाँ पर क्लिक करके आप सभी लोग वहाँ से सभी पेपरों को देख लें। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस पेपर वाले वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।